सो गाइस अभी दूल्हे वाली गाड़ी और पूरी बस भी आ चुकी है। सो सारे बरेती यहाँ पर कम्प्लीटेड हो चुके हैं। अब हो गई यहाँ पर शादी। अब होगी यहाँ पर शादी, कैसे बोल रहा है? हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9:23। अभी जस्ट उठे हम तीनों भाई, उठ गए। अभी साहिल नहीं उठा है, साहिल सो रहा है वहाँ पे नीचे। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा हम गांव में हुए हैं शादी में, पड़ोस में शादी है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है, कल रात से हो रही है खतरनाक वाली बारिश। तो बाहर बारिश हो रही है, बारिश में शादी किस तरह से होगी? पूरा टेंट से अंदर पानी आ गया होगा। अंदर ही कर लो फिर। अंदर कर लो, वो करेंगे, मैं थोड़ा ना करूंगा। सरदा की शादी थोड़ी है। अंदर कर लो। हल्दानी चलोगे हमारे साथ हमारे घर? जब मम्मी और पापा भी आएंगे। तो अभी 10 बज चुके हैं, अब जाके बारिश रुकी है, अब चलते हैं बाहर देखते हैं क्या माहौल है। चलो चलो। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग। ये क्या बनाया? पोहा बनाया है। अच्छा पोहा, चलो ठीक है, बढ़िया। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तुम खा लेना है पोहा। हाँ हाँ खा लेंगे। तो यहाँ पे उठते ही फोटोशूट चल रहा है, शादी है, बट स्टिल थोड़ा बहुत टाइम निकाल के मम्मी जी ने हमारे लिए खाना जरूर बना दिया। ब्रेकफास्ट पोहा एंड मैगी। वो लड्डू खा सकते हैं मम्मी? मैं ब्रश करके आता हूँ फिर खाएंगे। इन लड्डुओं को देख के तो मुंह में पानी आ गया, मैं जल्दी से ब्रश करता हूँ फिर खाएंगे। देखो कितने रसीले लग रहे हैं। अरे यार ब्रश लाना भूल गया मैं, अब टूथपेस्ट दो दो है, ब्रश एक भी नहीं है। तो अभी फिलहाल मौसम भी खुल चुका है, होपफुली बारिश ना आए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चल ब्रश लेके आते हैं। कुनाली आराम से। तो ये हमारे गांव की दुकान, एक ब्रश दे दो। तो शादी है इस वाले घर में। मम्मी जी लड्डू सबको बांट रहे हो, आप किस खुशी में बांट रहे हो? बेटा वैसे ही मीठा मुंह है ये, जो मैं ये तुम खाओ इतनी। हाय खाओ। अरे खाओ ना, मैं ना खाऊं। क्यों? अरे खाओ यार। ना ना ये नंदन जी करी एक टुकड़ा मीठा रहे वहां। लो ना देख लो, ठुकरा दिया मम्मी के लड्डू। ना ले गए एक। अच्छा ले गए। अरे भैया मैंने आपको प्रणाम किया? हां भाई किया। अच्छा सॉरी प्रणाम। यहां पे सारे अम्मा लोग सेम लगते हैं ना। इस पानी की खास बात बताऊं आपको, जैसे बहुत ठंड हो रही है ना, तो ये पानी बिल्कुल गर्म आ रहा है। तो गर्मियों में ठंडा पानी आता है और ठंड के दिनों में गर्म पानी। अभी एकदम गर्म पानी है देखो, मतलब बिल्कुल भी ठंडा नहीं लग रहा। मतलब इस पानी से हम अभी यहाँ नहा सकते हैं। छोटा भाई बड़े भाई को बिल्कुल फॉलो कर रहा है, जैसा पीयूष कर रहा है ना सेम वैसे ही कुनाली कर रहा है। जब से पीयूष आया ना, कुनाली उसके आगे पीछे डोलते जा रहा है। बस जो पीयूष कर रहा है वही कुनाली कर रहा है। तो फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं पोहा एंड ये देखो मैगी खाते हुए। तो भी गाइस बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है, अब पता नहीं बारात कब आएगी और किस तरह शादी होगी। तो भी गाइस बारिश रुक चुकी है और हम रेडी भी हो चुके हैं, लेकिन दिक्कत थोड़ी ठंड लग रही है मुझे इसमें, क्योंकि पतला सा है और इसमें ठंडा हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि चेंज करते हैं, वैसे दिखने में तो अच्छा लग रहा है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि हुडी डालता हूँ, हुडी के बाहर से डेनिम जैकेट डालता हूँ। अंदर से पहले वो डाल, मम्मी ठंड लग रही है। कहना तो मान ले, वो लाए है ना। क्या इनर नहीं है? तभी तो कह रहा हूँ हुडी डालता हूँ, उसके बाद डेनिम जैकेट फिर नहीं लगेगी। बाय द वे ये वेटर और चाची भी रेडी हो गई है, चाची और मम्मी दोनों साथ में मस्त लग रहे हो, और कुनाली भी। लेकिन मुझे चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत ठंड लग रही है इसमें, तो मैंने चेंज कर लिया है अब ठीक है। टेंट के नीचे जाना पड़ेगा क्या? यहाँ पे बन रहा है स्टेज। और यहाँ पे खाने पीने का प्रोग्राम पूरा, देखो अभी रेडी हो रहा है यहाँ भी। तो काफी अच्छा लग रहा है यार सभी गांव वालों से मिलके, काफी टाइम के बाद। देखो शादी वादी होती है तभी सब मिल पाते हैं इस तरह से, और बारात भी आने वाले कुछ देर में। एक्चुअली शादी है ओनली दिन की, तो अभी बारात आएगी और शादी होके अभी चली जाएगी, मतलब एक ही दिन की है, रात को नहीं रुकेंगे। अगर अब बारिश आई तो सारे टेंट वेंट सब भीग जाएंगे। तो जो ये वाला एरिया यहाँ बन रहा है खाना, यहाँ पे होगी शादी, यह शादी वाला घर और यहाँ पे होगा खाना। मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है वहाँ पे ब्लॉग करने में, बिकॉज सभी के सभी ऐसे घूर रहे हैं ना, मैं ब्लॉग कर रहा हूँ तो इसलिए मैं यहाँ आके ब्लॉग कर रहा हूँ, ताकि किसी को अनकंफर्टेबल भी ना लगे और मुझे भी ना लगे। यहाँ पे एक घर में शादी होती है ना, तो पूरे गांव वाले सभी हेल्प करते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, कोई खाना बनवाने में हेल्प कर रहा है, कोई टेंट लगवाने में, कोई बर्तन भी पंचायत के होते हैं सारे, तो उन्हीं में खाना बनता है, और खाना बनाते भी वही हैं गाँव वाले ही, तो मतलब काफ़ी सही रहता है। हमारे मम्मी पापा चाचा चाची सबकी शादी ऐसे ही हुई है। तो पीयूष ने अपने वेटर वाले कपड़े उतार दिए हैं। चल कोई नहीं, यही ठीक है। वाह
तो अभी बारात आने वाली है और बारात की तैयारी में यहाँ पे अभी उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था की जा रही है। तो अभी गाइस बारात आ चुकी है, ये दो ही गाड़ियां हैं क्या, आई थिंक तीन चार गाड़ियां और आएंगी। और पीयूष अपना मस्त बैठा है बच्चों के साथ में, तो बच्चों मजा आ रहा है। सो गाइस अभी दूल्हे वाली गाड़ी और पूरी बस भी आ चुकी है, सो सारे बरेती यहाँ पर कम्प्लीटेड हो चुके हैं। अब होगी यहाँ पर शादी, अब होगी यहाँ पर शादी, कैसे बोल रहा है जैसे कि पता नहीं किसकी शादी हो रही है। तो गाइस अभी बारात आ चुकी है और सारे यहाँ पर खड़े क्यों के नाच रहे हैं। तो अभी गाइस टाइम है खाना खाने का। तो अभी गाइस खाना पीना हो चुका है, मस्त दाल चावल खाया बच्चा बाड़ी, सब खाना खा लिया सबने, खा लिया। तो अभी सभी के सभी यहीं खेत में खेल रहे हैं। ओ ध्यान से भाई, गिरना मत, कोई यार कोई गिर जाएगा, ऊपर नीचे मत करो। तो अभी चार बज चुके हैं और मैं जा रहा हूँ घर पे, मेरे को ठंड लग रही है, ऊपर से नींद भी आ रही काफी ज्यादा, पहाड़ों पे ना जल्दी थक जाते हैं। और गाड़ी हमारी यहाँ पे पार्क है वो रही, आज तो यहाँ पे देखो तीन गाड़ियां पार्क है, यूजली एक रहती थी, यहाँ देखो पूरा खाली हो गया, सारे के सारे शादी में गए हुए वहाँ पे। हमारा प्यारा घर खुल जा भाई, लेकिन ना ये घर ना अंदर से बहुत गर्म है क्योंकि ये लकड़ी के बने हुए ना, तो अंदर ज्यादा ठंड नहीं होती इसमें। तो मैं तो मस्त ओढ़ के बैठता हूँ यहाँ पे, और अपने एडिटिंग का सेटअप भी यहीं पे ही है। तो भी गाइस शाम के बज चुके हैं 7:48, थोड़ी देर में सो गया था और शादी वादी हो चुकी है, विदाई विदाई हो चुकी है सब। तो अभी गाइस मैं आ गया हूँ किचन में, मम्मी जी यहाँ पे, चाची यहाँ पे, चाची यहाँ पे खाना बना रही है, मस्त चूल्हे में रोटी बन रही है। और ये देखो ये महारानी जी यहाँ बैठे हैं आंखें बंद करके, इसको भी ठंड लग रही है इसलिए चूल्हे के पास बैठी है, नींद आ रही क्या हो रहा है इसको, स्टैचू की तरह बैठी है, वो देख रही है रोटी बन रही है, रोटी खानी है उसको। और ये को ले आते तो भगा देता है इसको, फिर बेटा एक बात बताऊं, और ये को लाते तो इसको भगा देता, लेकिन इसके साथ में नाइंसाफी होती ना। हाँ इसके साथ नाइंसाफी होती, ये भाग जाती, ये आती नहीं डर के मारे, फिर ये ठंड में रहती बाहर यार, वो भी गलत है ना। चलो बढ़िया है जो ओरियो नहीं आया, हल्द्वानी का बारे हो हैं, गाय बछड़ो को उसमें रख देंगे छत में। तो यहाँ पे घर पे दो गाय हैं, इनका ख्याल रखना पड़ता है ना। चाची बना रही रोटी, चाची बना रही सब्जी, देख लो मिल के काम हो रहा है यहाँ पे मस्त। तो अभी गाइस डिनर करते हैं, आलू की सब्जी है एंड रोटी है और साथ में एडिटिंग चल रही है अपनी। हे गाइस गुड मॉर्निंग, तो अभी सुबह के 7 बजने वाले हैं, अब जाके एडिटिंग कम्प्लीट, रात को मैं खाना खा के सो गया था तो अभी सुबह सुबह उठ के कंप्लीट किया मैंने। तो आई होप आपको व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।